वाइप करो तो हाय लगते मारते हमने मशरूम पूरा की सब बोलो निकल लड़ो मारे मास्टर प्रणाम हमारा उठो मुना तुम कुर्सी लेके आओ आज कौन चैप्टर पढ़ाई होगा जल्दी जल्दी बोलो हाय मास्टर जी चार पाठा पढ़ाए होगा चार पाठा नहीं होगा पाठ चार ठीक बैठो एक एक पाठा दो पाठा तीन पाठा चार पाठा पढ़ाई तुम हम ही को पढ़ाएगा नहीं मास्टर जी आपको नहीं पढ़ा सकते आज पाठ चार होगा ठीक बैठो देखो टिंकल के बारे में कुछ पढ़ेंगे पढ़ना टिंकल टिंकल लिटिल अचार खाओ लिट्टी मारो ढका खा पी के सो जाओ या हम दो मिनट में आते तुम लोग याद करना ठीक अभी हम वहां से ही चल गया कुछ नहीं चलो खेलो आज मारेगा तो कुछ नहीं होगा चलो खेलो खेलो भले खेल रहे थे चाचे खेल रहे थे बोलो तुम खत्म हो गया धड़ो खेलो ये बुझना तुम खुद रखो मासे जी आ रहे थे देखो देखो तुम खेलो ढगा मार के खाया है सोया है क्या सॉरी दे चलो निकल गया ढगा गुरुदेव मामा 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 से चूहा पक रहे थे हम नहीं जानते थे मासे जी चूहा क्या था मरता मासे जी तो आप नहीं करेंगे मासे जी टिंकल टिंकल लिटिल स्टार खाओ लिटिल मारो लगा लगा मार के सो रहे डबल बोलता है पर तुम ठीक बोला चलो जा बैठो बंगला तुम उड़ो क्या दुआ जी मासी सुनो टिंकल टिंकल अच्छा देवस्थली विद्यापीठ के डायरेक्टर सर है ना मैं खरगसवा लाले पोखरे संग खेले अरे कलू पड़ता है और कहानी याद करके लाना अरे याद करके लाना फिर उसी तो मारेगा बहुत मारा है हमको भूलेंगे नहीं है सब याद रखेंगे कहानी दिया है सोच कर आए तब ऐसे तुमको कहानी याद करके आने कहानी सुनाओ एक राजा गुथलू था राजा का नौकर था उसको काम दिया था राजा की राजा का पैर दबाना था पैर दबता था राजा का पता भी नहीं चलता था चिप चिप बैठा मगू मक्खी को तो मारे वो थका के थका के फिर राजा मन नहीं सोचा राजा ये लोग मारा तो पढ़ने बहुत खराब होगा तो कुछ कुछ दिखाते हैं नेक बनाती हैं हम गरीब नेक मेरा पैसे दावे का इससे तो फिर बोला हमको फिर क्या हुआ चले गया हूँ और उसको फिर काम दिया हूँ राजा कि पैर पकड़ो तुम सब चराना कहा ठीक है गर बकरी चराने दिया उसको वो सब खत्म कर देते थे बच बची उछाल था गरीब मनाई फिर आज राजा आया कहा बाप सुबह आजकल तुम बहुत जवान हो गया हम तो पहले सही थे जवान और हल्का बन गया घर के लिए सब अब पता है देखिए वो क्या है वो छेद है उसी में सब डूब जाता है कैसे डूब गया तुम्हें आए थे तो डूबा नहीं कहीं अच्छा ठीक है डूब गया था हमको हमको बताना हजी महाराज फिर क्या हुआ एक रुपये से पूछ काट के रख दिया और उसे डूबा दिया महाराज महाराज देखिए डूब रहा महाराज महाराज का घिंचो घिंचो घिंचा पूछ घिंचा दिया पूछी खिंचा गया आपको महाराज पूछी खिंचा गया ठीक है छोड़ दो सब भाई जैसे थे
बहुत पैसे कमाया लेकिन महाराज को दिखाया था पैसा कहाँ पे हमने पता ही पूछा ही कहाँ क्या बताएंगे अरे बताओ बताओ हमारे घर को जला के बचे इतना पैसा कमाया छाए को बचा तो इतना पैसा कमाया है आपका तो बड़का वो है मेरा दूर भी था वो इतना पैसा कमाया आप लोग क्या और बोलते क्या ना सही बोला तू मेरा पैसा बैठो था तू सही बोल बैठने गया हट का फेंका लूंगा हट कोई लेगा सब थका रहा था सब फेंकता है अब राजा मंडी बहने लगा फिर तू तुमको उल्लू बनाया कहा नहीं महाराज हम आपको उल्लू ने बनाई वो माफ कर दीजिए हमको कहा ठीक है तुम्हें वो माफ कर दीजिए जाओ ठीक है उसको माफ कर दिया अब क्या हुआ घर को रोना है फिर वो कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ सब सब फेंक आ जाओ कहा जी महाराज फेंकने गया एक बैलगाड़ी ले जाने लगा एक आदमी और था उसके बगल में जा रहा था बैलगाड़ी में तो सोना था और वे एक बेटा था मैं वो यार तो क्या बात है बिल्लू आजकल तुम राजा के मुंह उठाने लगा वो तो हम ही है राजा के मुंह उठाने कहते काम कर तुम मेरा क्या तुम मेरा बेटा को बैठा लो उसमें अपने अपने गाड़ी पर कहा नहीं हम बैठाएंगे मैं सब सोना है देख लेते बिल्लू कहने बैगिंग फट गया तो बनेगा छाया सब कह नहीं बनेगा तुम कहते देखो ठीक है हल्का तू चौथे कहते मुझे कहते बिल्लू मुझे कहते देखो कई छोटे समय छाया बन गया चलो अपना ला फिर दे देता वो अगले खान दे जाएगी जाने लगता है अब महाराज को फिर दिखाता है कहाँ पाए सब हमारा बैल सबको मारे कितना कमाए आपको कितना होगा मेरा दुए था सही बोला तू सब कुमार बेच दो सब कुमार बेच दिया बचा ले कल भी बेच लेगा काफी कब ये सब कहा कौन लगा ये सब फेंका मार मारा को लेता है लेता है फिर अगर तू इस बार तुम नहीं छोड़ेंगे तो उनको बोलू बनाए चलो सब तुम गंगाई में फेंक दिए कल नहीं महाराज अब छोड़ दीजिए कल नहीं छोड़ेंगे बना बोल जाने लगा आधा रुपया का रुपया तू लेकर निकले एक नौकर था बता ये भी तुम्हें बोलू निकाल दीजिए कहा क्या हो तू शादी नहीं कर पाएंगे अरे कैसे कहता है उनको राजा फेंक देगा वो कहता है वो दूसरे आता वहाँ कहते ठूम शादी करेंगे अरे तुम तेरे शादी करा देंगे तुमको खोल दो अरे ठीक है बंद करेगा उसे और फेंक देता जाएगी फेंकता जाएगी फिर आता है अब फिर बिल्लू हाथ से मेरे बच गया ईद करने छोड़ेंगे बिल्लू को जहाँ भी आपको पकड़ लेंगे देखा सुनते चलो सोचते हैं ससुराल बहुत दिन से गए नहीं है ससुराल जाना चाहता है बिल्लू सब सुन लेता है बिल्लू जाता तो बहुत गरीब बनाते हैं सुन लिया सब और फिर क्या होता है जब जलाने तो बक्सा उसे पकौड़े से बनाए लेंगे उसी में भूख जाते बिल्लू और उसमें जाते पूरा खा खत्म करते हैं आधा रास्ते में पहुँचते हैं तो जो खाएंगे देखते खाने का खाल बिल्लू बचा है अरे बिल्लू तुम खाए चिके दिया जाओ मेरा छोरा रखा तो बेटी दमाद आ रहे बेटी दमाद के लिए खांसी का झोर और मीठ तुमने मिर्चा का झोर कहता जी मान फिर जाता है कहता बेटी दमाद आ रहे बेटी दमाद के लिए मिर्चा का झोर और मेरे लिए खांसी का मीट खाता ठीक आता है खाता उसको बिल्लू को मीट का खांसी का जोर उसको खिलाते मिर्चा का जोर नहीं खाता राजा और बिल्लू तू जब हार मांगे पता हूँ पेट भरा तो मेरा बिल्लू हाँ ठीक है महाराज हमको गाड़ियाँ दे देना ठीक है लाता है खाने का पूरा तुम चना खाता हो अब लग जाता है लैट्रिन अरे कहाँ गए वो लैट्रिन वो पता लगता हो कहा ठीक है बताते हैं हम मान कर रहे हैं सुबह जब फेंक दीजिएगा अरे ठीक है कहते कंगा पर ले फेंक दीजिएगा तो सुबह होता है कंगा पर ले जाएगा अरे तू क्या होता है दमाद तू उसके भागा है दमाद तू उसके भागा पूरा से भाग गया जाता है जी कहते क्या हुआ कहते दमाद उसके भाग रहा है आप रोके कैसे जरा चुप रुक जाएगा इसे राजा पूरा गरीब बन जाता है फिर तू राजा बन जाता है वाह मंगरा वाह तुम कितना अच्छा कहानी सुनाता है तुमसे मेरा दिल जीत लिया जीत रावण ने सीता का हरण किया जीत रावण ने सीता का हरण किया उस तरह तुमने मेरा दिल हरण लिया वाह वाह आपने मेरा नाम रखा मगर ऐसे मगर नाम बदल ले